अगर हम बॉलीवुड की हिट फिल्मों की सीरीज की बात करें तो इस लिस्ट में धूम का नाम भी सामने आता है। अब तक फिल्म की 3 पार्ट बनाए जा चुके हैं जिन्हें दर्शकों के द्वारा खूब पसंद किया गया था। इसके अलावा फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। 3 सीरीज के धमाल मचने के बाद अब कहा जा रहा है कि फिल्म की अगली सीरीज धूम 4 भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। धूम 4 के लिए सलमान खान के साथ साथ रणवीर सिंह का भी नाम जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि धूम 4 में सलमान और रणवीर आमने सामने नजर आएंगे। वैसे अपनी इस बात को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार यशराज बैनर ने रणवीर सिंह को भी अब तक धूम 4 के लिए फाइनल नहीं किया है। खबरों के अनुसार विजय कृष्ण आचार्य पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग खत्म करेंगे जिसके बाद धूम 4 पर काम शुरू करेंगे। फिलहाल सलमान खान के भी फिल्म में होने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सलमान को लेकर पहले यह खबर सुनने को मिली थी कि वे धूम 4 में चोर का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद यह खबर सामने आई कि सलमान खान भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनने वाले। आपको बता दें धूम सीरीज का पहला पार्ट 2004 में बना था। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा, ईशा देओल और रिमी सेन नजर आए थे। इसके बाद धूम 2 में ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु नजर आई थी। फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। इसके बाद धूम 3 में आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा नजर आए थे। फिल्म साल 2013 में आई थी। धूम की सभी सीरीज को दर्शकों के द्वारा बेहद पसंद किया गया था। अब देखना यह होगा कि इस फिल्म का दर्शकों पर कितना असर होता है।